Silayat Maneri. The next topic is the charging and discharging of the capacitor. So in this topic we will learn about the charging and discharging of the capacitor, how the charge is going to how the capacitor is going to charge and discharge. There are many circuits in which both the resistance and the capacitor, this is the capacitor, this is the resistance, they are attached and working together. Let's suppose we have a circuit with the both component, and this is a switch. Okay, so point A, point B. So from this circuit we will learn how the capacitor is going to charge. The capacitor एकदम से चार्ज नहीं होगा कि यहाँ आपने बैटरी लगाई है. देखिए जब ये स्विच ओपन है तो क्या होगा कि यहाँ से वोल्टेज करंट फ्लो नहीं करेगा. ठीक है, जब करंट फ्लो नहीं करेगा सर्किट के अंदर तो क्या होगा कि यहाँ पर चार्जेस नहीं आएंगे और ये कैपेसिटर चार्ज नहीं होगा. इनिशियली दिस कैपेसिटर हैव द जीरो चार्जेस. ठीक है, इसके पास कोई चार्ज नहीं है. लेकिन जो ही आपने इस कैपेसिटर को, इस स्विच को कनेक्ट कर दिया फ्रॉम पॉइंट बी टू ए, ए बी को आपस में कनेक्ट कर दिया, तो ये क्या पाथ बन गया. पाथ बन गया किसका? करंट का पाथ बन गया. और इस तरीके से जो चार्ज है इस कैपेसिटर पे स्लोली, वेरी स्लोली जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है इंक्रीज होते जाएंगे. ठीक है, और ये मैक्सिमम वैल्यू तक या इक्विलिब्रियम वैल्यू तक पहुंचने में थोड़ा टाइम निकालेंगे. तो इसमें आपने देखिए इस सर्किट में दो चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, दैट इज रेजिस्टेंस और द कैपेसिटर. दैट इज व्हाई दिस कैपेसिटर इज कॉल्ड द आरसी सीरीज सर्किट. ठीक है, आरसी सीरीज सर्किट. और आरसी इज अ कांस्टेंट व्हिच गिव्स द टाइम. देखिए इसमें टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कितने टाइम के बाद जो है कैपेसिटर चार्जिंग हो रहा है. लेट्स सपोज वी ड्रॉ अ ग्राफ. ये जीरो टाइम है, ये आपके एक्स एक्सिस पर टाइम है, और यहाँ पर आप चार्ज ले लेते हैं, अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर. अब यहाँ देखें जो आपके पास जो है टाइम ज़्यादा होता जाता है, ये जो बैटरी ज़्यादा चार्जेस इसमें स्टोर करती जाएगी. ठीक है, और ये चार्जेस इस तरह स्टोर होंगे, और एक वक्त आएगा कि ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा. ठीक है, सो मिनिमम वैल्यू, दैट इज द मिनिमम वैल्यू और द वैल्यू वेयर यू गेट द मैक्सिमम वोल्टेज इज 0.63 टाइम्स द टोटल चार्ज. क्यू 0.3 बेसिकली वो वैल्यू है जहाँ पर आप इक्विलिब्रियम को देखते हैं, इक्विलिब्रियम की वैल्यू आ जाती है कि मैक्सिमम वोल्टेज स्टोर. अब वो क्या है, वोल्टेज और बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो थोड़ी बहुत तो इंक्रीज होगी, लेकिन बाद में एक सेचुरेशन आ जाएगी. मीन कि उसके बाद अगर आप वोल्टेज बढ़ाते भी जाएंगे तो कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर जो सफिशिएंट है वो वहाँ पे रुक जाएगा, उससे ज़्यादा स्टोर नहीं किया जाएगा. फॉर एग्जांपल एक ग्लास है पानी का. ठीक है, आप उसमें पानी डाल रहे हैं, ऐसा बढ़ता जा रहा. जब ग्लास पानी से बिल्कुल फुल हो जाएगा तो क्या मज़ीद पानी आएगा? नहीं आएगा, वो गिरना शुरू हो जाएगा, लेकिन उस ग्लास के अंदर स्टोर नहीं होगा. बिल्कुल यही इसका हाल है कि जब इसमें आप जो है वोल्टेज चार्जेस, वोल्टेज की वजह से ही चार्जेस बढ़ते जा रहे, तो एक वक्त आएगा जब इसमें सेचुरेशन होगी, मैक्सिमम आ जाएंगे, फिर उसके बाद जो है इसमें जो स्टोर चार्ज की अमाउंट है बढ़ना ही बढ़ेगी. ठीक है, लेट्स सपोज वी हैव टू सर्किट. अगर हम देखें कि एक वैल्यू है जिसमें आरसी की वैल्यू लार्ज है. ठीक है, एक कैपेसिटर है, लेट्स सपोज कि आपने ये 10 माइक्रोफेरेट का यूज़ किया और ये भी आपने 10 ओम की यूज़ करी, तो इसका प्रोडक्ट क्या हुआ? आर इंटू सी, डेट इज 100. ठीक है, 100 ओम माइक्रोफेरेट. ठीक है ना, आर सी डेट इज इक्वल टू टाइम, जो कि इसके टाइम के बराबर. अगर आप स्मॉल की वैल्यू कंसीडर करें, ये आप 1 माइक्रोफेरेट कर देते और इसे मैं कहती हूँ 2 ओम है, तो इसका प्रोडक्ट क्या है? वेरी स्मॉल, डेट इज 2 ओम है और माइक्रोफेरेट. ठीक है, तो एक अगर आपके पास ऐसा सर्किट है जिसमें आर सी वैल्यू स्मॉल है, ठीक है, स्मॉल है, और दूसरा सर्किट ऐसे है जिसमें लार्ज है. ठीक है, तो उनका अगर हम कंपैरिजन करें तो ग्राफ किस तरह से बनेगा? जब स्मॉल वैल्यू होगी तो ये जल्दी से डिस्चार्जिंग होगी, जैसे कि उसे थोड़े चार्जेस की ज़रूरत है ना, और जब आर और सी की ज़्यादा वैल्यू होगी तो वो आपका कैपेसिटर देर से चार्ज होगा. मीन के देखें उसे टाइम थोड़ा ज़्यादा वो कर रहे हैं, तो
तो चार्जिंग जो है लार्ज की आपकी ये है लार्ज आरसी वैल्यू वे इट इज अ स्मॉल आरसी वैल्यू इसलिए कि उसके पास कम चार्जेस है ओके। और इसी तरह से अगर आप ये देखें डिस्चार्जिंग का फिनोमिना तो उसके लिए भी हम ग्राफ बनाते हैं कि किस तरह से होगा डिस्चार्जिंग किस तरह होगी। इसी तरह से हम जो है एक ग्राफ बनाते हैं जिसमें एक्स एक्सिस पे टाइम और वाई एक्सिस पे हम चार्ज ले लेते हैं ठीक है। और जो स्मॉल वैल्यू है वो एब्रप्ट डिस्चार्ज हो गया मीन जब हमने ये स्विच फिर से ओपन कर दिया अब इसमें चार्जेस हैं तो ये चार्ज क्या करना शुरू करेंगे सर्किट में फ्लो होना शुरू हो जाएंगे क्योंकि इट बिहेव जस्ट लाइक अ सोर्स ऑफ वोल्टेज क्योंकि ये तो कट हो गया लेकिन ये यहाँ तक फ्लो करेगा जहाँ सर्किट खत्म हो गया तो वहीं पे जाया हो जाएगा ये करंट। तो इसका मतलब है जब आपके पास स्मॉल वैल्यू थी तो वो जल्दी से स्मॉल यहाँ तो जल्दी से डिस्चार्ज हुआ और जब वो कैपिटल वैल्यू थी या ज्यादा थी तो ये देर से डिस्चार्ज हुआ लार्ज वैल्यू ठीक है। लार्ज वैल्यू का क्या मतलब है कि आर और सी का प्रोडक्ट जो है वो लार्ज है टाइम कांस्टेंट इट इज कॉल्ड अ टाइम कांस्टेंट। आरसी सर्किट में हमेशा आर और सी का जो प्रोडक्ट लेते हैं यूज एज अ टाइम कांस्टेंट एंड वी कैन डिफाइन द टाइम कांस्टेंट इज डिफाइंड एज इसकी डेफिनेशन बेशक आप लिखें डिफाइन कांस्टेंट एंड इट इज डिफाइंड एज द टाइम रिक्वायर्ड बाय द कैपेसिटर by the capacitor the time required by the capacitor to deposit times the equilibrium charge जिसमें कोई भी कैपेसिटर को चार्ज डिपॉजिट करने के लिए कितना टाइम लगता है दैट इज 0.63 टाइम्स मीन के 1 नहीं है 1 मैक्सिमम उस वक्त होगा जब ये सैचुरेशन होगी ठीक है। ये बेसिकली कितना हो गया ये हो गया 63% ऑफ द चार्ज। जब इसमें 63% ऑफ द चार्ज आएगा दैट बिकम द इक्विलिब्रियम पोजीशन और द इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ दैट कैपेसिटर। सो चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग इज वेरी सिंपल एंड वेरी इजी टॉपिक ठीक है। इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है आर सी से नाम से ही जाहिर हो रहा है कि ये ऐसा सर्किट है जिसमें रेजिस्टेंस भी यूज हो रही है कैपेसिटर भी यूज हो रहा है और सीरीज में हो रहा है ठीक है। और इन दोनों का प्रोडक्ट लेके वी कैन गेट द टाइम कॉन्स्टेंट और वट इज द टाइम कॉन्स्टेंट दिस इज द टाइम रिक्वायर्ड बाई द कैपेसिटर टू डिपॉजिट 0.63 टाइम्स द इक्विलिब्रियम चार्ज और वट इज द इक्विलिब्रियम चार्ज दैट इज द मैक्सिमम चार्ज। After that maximum charge, the capacitor cannot store more charges. Okay? Thank you very much for your attention.